बिटगट ब्राइस कॉइन, एक ऐसा कॉइन जो रिसेंटली काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। कई कॉइन्स ऐसे होते हैं जो ट्रेंड पर आने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अपने काम को रोक देते हैं, पर इस कॉइन ने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं की। बिटगट ने लगातार अपने यूज केस में अपडेट्स और डेवलपमेंट्स को लाकर नई नई पार्टनरशिप को बिल्ड करके अपनी कम्युनिटी को एंगेज रखा, जिससे कि उसका फैन बेस धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसने खुद की अपनी एक अच्छी खासी कम्युनिटी बिल्ड कर ली। बिटगट कॉइन की बर्निंग से रिलेटेड अपडेट, ब्राइस पेमेंट गेटअवे का बेटा वर्जन लॉन्च होना और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने के बावजूद इस कॉइन ने मार्केट में अपनी एक स्टेबल ग्रोथ बनाकर रखी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अफेक्ट पड़ सकता है इन सारी अपडेट्स का बिटगट के प्राइस पर, क्या आने वाले समय में बिटगट हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, क्या इस कॉइन का एक अच्छा खासा फ्यूचर है और क्या ये कॉइन मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने का पोटेंशियल रखता है। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटगट कॉइन के बारे में। बिटगट कॉइन रिसेंटली अपने ऑन गोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। पेब्राइस BRC वॉलेट इंटीग्रेशन और पेब्राइस डी ऐप बेटा लॉन्च पर ये काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। इसके सारे डेवलपर्स इन्हीं दो लॉन्च के पीछे कई दिनों से भिड़े हुए हैं। इसके अलावा कई अपकमिंग अपडेट्स यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटप्लेस बेटा लॉन्च, पेब्राइस मिनिएट लॉन्च, Web3 में इसकी एंट्री और डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटप्लेस मिनिएट लॉन्च के ऊपर इसकी टीम कई दिनों से फोकस कर रही है और आने वाले समय में जल्द ही हमें ऐसे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। रिसेंटली बिटगट मल्टी चेन के साथ इंटीग्रेट हो चुका है और जल्द ही इसका ब्रिज मल्टी चेन के साथ पोर्ट होता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा $5 मिलियन की टोटल वैल्यू को ये अभी के समय में लॉक कर चुका है, जिसके कारण इसके प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। रिसेंटली इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX पर बिटगट लॉन्च हो चुका है, जो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। कुछ ही दिनों पहले बिटगट एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बन चुका है, जिसके बाद बिटगट ने अपने कार मॉडल डिजाइन को अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था। अभी के समय में इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसकी टोटल सप्लाई। इसकी टोटल सप्लाई में से केवल 40% मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। इसके बावजूद बर्निंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट इसकी टीम की तरफ से सामने नहीं आया है। इसकी मैनुअल और कम्युनिटी ड्रिवन बर्निंग शुरू है, लेकिन ये कभी कभी अनसक्सेसफुल हो जाती है। जब तक एक्चुअल बर्निंग शुरू नहीं हो जाती, इस कॉइन पर विश्वास पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। कॉइन मार्केट कैप में अगर इसकी सिचुएशन की हम बात करें, तो अभी के समय में कॉइन अपने प्राइस में 6-0 लगाता हुआ 4 की सीरीज पर चल रहा है। वहीं पर अगर रैंकिंग की बात की जाए, तो रैंकिंग के मामले में ये कॉइन 222 रैंक पर चल रहा है और वॉचलिस्ट के मामले में ये अब तक 1.5 लाख से ज्यादा की वॉचलिस्ट को पार कर चुका है। तो ओवरऑल काफी सारे अपडेट्स ये अपनी कम्युनिटी के लिए लाता जा रहा है, अपने यूज केस को डेवलप करने के लिए, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन फिर भी कई सारे ड्रॉबैक्स अभी भी इसके यूज केस में है, जो इसे एक अच्छा पोटेंशियल कॉइन बनने से रोक रहे हैं। अगर आप इस कॉइन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक थोड़ा अमाउंट इस कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेशक इस कॉइन में पोटेंशियल है, लेकिन जब तक ये कॉइन पूरी तरह से अपने यूज केस को डेवलप नहीं कर लेता, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेता, अपनी कम्युनिटी को बिल्ड नहीं कर लेता, तब तक हम इस कॉइन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। अभी के लिए इस बेरिश मार्केट में आप एक मिनिमम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि होल्ड करने पर कुछ ही सालों में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। होप करती हूँ आपको आज के हमारे इस वीडियो ने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही क्रिप्टो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे।